हिंदुस्तान आई थी और उसने पहले फोन मिलाया गुरु विश्वामित्र को कि आपके यहाँ कोई राम रहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे यहाँ कोई राम नहीं रहते हैं। तो शूर्पनखा बहुत क्रोधित हो गई और बिना पासपोर्ट बनवाए ही वो लंका से हिंदुस्तान आ गई और राम जी के पास जाकर खड़ी हो गई कि मुझे बस राम चाहिए, और ऐसे करके खड़ी हो गई। और सीता माता को गुस्सा आ गया और लक्ष्मण जी को कहा इसकी नाक कान काट दो। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। वो रोती रोती पहुंची अपने भैया के पास, भैया भैया राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तो उसके भैया गुस्सा हो गए, उसके भैया इतने बड़े गुंडे थे लेकिन अब हेलीकॉप्टर से अपने उसने सोचा कि मेरा वीजा बन नहीं पाएगा, तो उसने अपना हेलीकॉप्टर निकाला और हेलीकॉप्टर से सीता माता को किडनैप करके ले गया। जब राम को पता चला तो बहुत विलाप करने लगे, सीता सीता। तो जब सबको फोन मिला है विभीषण, वो फिर सुग्रीव, अंगद, सबको अपनी अपनी सेना लेके आओ समुद्र किनारे मिलो, तो सबको अपनी अपनी सेना लेके गए। तो हनुमान ने एक बार कहा मैं एक बार जाऊं और देख के आऊं क्या वहां माता जी हैं। तो जब वो वहां गए तो देखा कि वहां वो लंका में लंकापति रावण वहां बैठे हैं। कहा क्या मेरी माता यहां है? तो कहे हाँ मेरी तुम्हारी माता यहां है। तो कहा तुम मेरी माता को किडनैप करके लाए हो। तो उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वो वापस आ गए तो कहा कि वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर कहे कि चलो जल्दी जल्दी पुल बनाया जाए। तो नलनील को ढूंढा गया, नलनील आओ बुलाया, कहे जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो लोग पुल बनाने लगे ऐसे। ईट लेके ला रहे हैं, ईट ला रहे हो। जब पुल बन गया तो सब कोई वहां पहुंच रहे हैं। तो जब लंका के गेट पे पहुंचे हैं तब अंगद ने कहा एक बार हम और मिलके आते हैं उनसे। तो वहां जब पहुंचे ढूंढने लगे अंगद, अंगद तो वहां जब अंगद पहुंचे कहे जाओ अच्छा मिलके आओ। तुम वहां आ गए। ये बताओ हमारी माता को किडनैप करके लाए क्या? अच्छा ये बताओ कि हमारी माता कोई किडनैप करके लाया है? हाँ मैं लाया हूँ। क्यों लाया हो ये बताओ? कहे मैं नहीं जानता, बस मेरी बैंक नाक काट दी गई इसीलिए मैं किडनैप करके लाया हूँ। कहे अच्छा ठीक है। फिर दूसरी बार पीटने लगे, फिर जब गुस्सा हो गए तो ऐसे फेंक दिया। तो कहे पहले बात बात में होगी कि पहले जो सुरती फेंको इसको उठाओ, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता इसको अपने हाथों से उठाओ। तो कहे यहाँ कर्मचारी अब भेज देंगे, अब पहले युद्ध होगा। तो जब वापस आए तो कहे ये नहीं मान रहा, युद्ध होगा। तो फिर कहे कि वहाँ एक के भाई है कुंभकर्ण, वो हर समय सोता रहता है। कहे इसीलिए उसको सोने की लंका कहा गया है क्योंकि वहाँ राजा का भाई हर समय सोता रहता है। तो जब ये सब बात हो गई तो वहाँ जब युद्ध के लिए पहुँचे सबको समाप्त कर दिया, केवल रावण बचा। तो वो अपने विमान से ऊपर राम जी गए और उसकी गर्दन पे बार बार तीर मारते हुए, लेकिन वो नहीं मर रहा। इसलिए विभीषण जी ने उसको फोन मिलाया, हेलो राम जी उनके नाभि में तीर मारो नाभि पे तभी वो मरेगा। उन्होंने ऐसे तीर निकाला और नाक को मार दिया और तब तक फिर रावण आए। तो राम तो कहे हाँ वो अशोक वाटिका में है। तो फिर जहाँ पहुंचे अशोक वाटिका दोनों का मिलन हो रहा है।